तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सत्या सपोर्ट में और मैं हूँ ऋषभ। दोस्तों तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो हम अपने किसान भाइयों के लिए बना रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी के भी खेत की डिटेल कैसे निकालेंगे, कि उसकी जो ज़मीन है या उसका वो खेत है वो कितने बीघा का है और कैसे आप देखेंगे कि उसकी ज़मीन पर कोई लोन वगैरह तो नहीं है। और सारी डिटेल आप नाम से ही देख लेंगे, किसी भी खेत का घाटा संख्या या खसरा नंबर आपके पास हो या ना हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी बहुत सही तरीके से हम बताएंगे। तो ऐसा करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि सारी डिटेल आप चेक कर पाएं और कोई भी डिटेल आपकी मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का गूगल ओपन कर लेना है और जैसे ही आप गूगल ओपन करेंगे तो आपको वहां पर सर्च करना है भूलेख। अब मैं यहां पर आपको सर्च करके दिखा देता हूं। जैसे ही आप भूलेख सर्च करेंगे इस प्रकार से, तो आपको बहुत सारी साइट्स देखिए यहां पर आएंगी। फिलहाल आपको जाना है सेकेंड वाली साइट पर, क्योंकि अगर पहली साइट जो आ रही है आप उस पर जाएंगे तो वहां पर एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको खसरा संख्या डालनी पड़ेगी जो आपके पास नहीं होगी। तो आप सेकेंड वाले पेज पर चले जाइए भूलेख के, और जैसे ही आप जाएंगे तो वो इस प्रकार से कुछ ओपन होगा। आपको अगर किसी दूसरे की ज़मीन देखनी है, उस पर लोन वगैरह देखना है, उसकी क्वांटिटी देखनी है कितनी है ज़मीन, तो आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चुनना है। आपको ये खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखे पर जाना है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए साथियों क्या होगा, यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड सबमिट करना होगा इस साइट पर एंटर करने से पहले। तो कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, सबमिट करेंगे, तो इस प्रकार से आपका जो होम पेज है वो ओपन होगा। और सबसे पहला ऑप्शन जो आपको रहेगा वो जनपद चुने का रहेगा, यानी कि जिला चुने अपना। तो जैसे ही जिला चुने का ऑप्शन रहेगा आप वहाँ पर अपना जिला चुन सकते हैं। जिला चुनेंगे तो तहसील का ऑप्शन खुल जाएगा, उसके बाद आप तहसील चुन लें। जैसे ही तहसील आप चुनेंगे उसके बाद आपको सिंपली देखिए ग्राम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आपका गाँव कौन सा है, किस गाँव में आप अपनी ज़मीन को देखना चाह रहे हैं। जैसे ही आपने गांव सेलेक्ट किया पेज आपको चेंज हो जाएगा तुरंत। और देखिए आपको उस पर वहाँ पर चार ऑप्शन ऊपर दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं खसरा घाटा संख्या, खाता संख्या, खातेदार के नाम और नामांतरण दिनांक से खोजें। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें दूसरे की देखनी है तो हम नाम से ही देख सकते हैं। तो हमने खातेदार के नाम से खोजे पर क्लिक किया और हम यहाँ पर अब नाम के कुछ अक्षर भरें। नाम आपको यहाँ पर हिंदी में ही लिखना है। अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो परेशान ना हो, यहाँ पर देखिए एक नया टैब खोलें और उसमें गूगल ट्रांसलेट खोलें अगर हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं तो। और यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जब नाम लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अपने आप ही हिंदी में वो हो जाएगा ट्रांसलेट। तो जैसे कि यहाँ पर तो नाम ऑलरेडी आ रहा है, तो मैंने नाम यहाँ पर सेलेक्ट किया और खोजे पर क्लिक कर दिया। फिलहाल ये वाली हमारी ज़मीन नहीं है, हमारी ज़मीन है ये वाली, और मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा इसको और उदाहरण देखे पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए हमें एक बार यहाँ पर फिर से कैप्चा कोड फिल करना है, और मैं यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल कर दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे ही कैप्चा कोड को फिल करता हूँ और मैं जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इस प्रकार से मेरी जो खतौनी है ज़मीन की वो आ गई है। अब आप यहाँ पर अपना क्षेत्रफल देख सकते हैं, जिसे क्वांटिटी कह रहे हैं हम, तो ये हेक्टेयर में है। यहाँ पर यह है 0.790 हेक्टेयर। अब आपके यहाँ अगर बीघा चलता है बीघा में बदल दीजिए, किल्ले चलते हैं किल्ले में, एकड़ है एकड़ में, अपने हिसाब से उसको चेंज कर लीजिए। और अगर आपका लोन होगा तो ये जो आदेश का कॉलम आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें आपको लोन की जानकारी भी दी जाती है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे किसके नाम पर कितनी ज़मीन है और क्या क्या उसका प्रोसीजर है, कि कितना लोन है, कब वो चेंज हुई है, किसी के नाम पर हुई है। तो सारी जानकारी आपको इस प्रकार से भूलेख की साइट पर मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको अगर कोई इश्यू है, आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और फिलहाल इस वाली वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, और हमारा जो चैनल है वो किसान भाइयों के लिए स्पेशली हम इसी तरीके की वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आती रहेंगी इसी प्रकार की वीडियो। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ नया के साथ, और तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।